हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी. इट्स नॉट गेटिंग डिफिकल्ट फॉर यू. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर लास्ट किंगडम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज़ द एनिमेलिया. एनिमेलिया जिसके अंदर सब एनिमल्स इन्वॉल्व हैं. क्या फीचर्स हैं बच्चों इनके? यू कैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर हैं और हेटरोट्रॉप्स हैं. माने प्रोकैरियोटिक नहीं है. सेल्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं. एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल काम कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अगर फूड नहीं बना रहे तो प्लांट की तरह इनके पास सेल वॉल भी नहीं है. एंड मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल. जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे वो सब मोबाइल होते हैं. अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों, तो हम किस बेस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं? जैसे प्लांट्स में हमने डिफरेंट लेवल्स किए थे, कि एक लेवल किया कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, कंडक्टिंग टिश्यूज है या नहीं. ठीक है, उसी तरह से इसके पास भी यहाँ दो बेसिक मेथड होंगे. पहला टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ डिफरेंशिएशन. ऑफ बॉडी डिजाइन हम यहां पहली दो सब टाइप्स देखते हैं बच्चों, दैट इज पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा. सिलेंटरेटा इज ऑल्सो नोन एज नाइडेरिया. ठीक, पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? सबसे पहला, इट हैज पोर्स यानी होल्स ऑल ओवर बॉडी, इसीलिए इसको पॉरीफेरा कहते हैं. पोरस, पोरस का मतलब होल्स होते हैं. नंबर टू, दे आर नॉट मोबाइल. दीज आर दोज एनिमल्स जो हिलते डुलते नहीं हैं. नंबर थ्री, दे आर अटैच्ड. क्यों नहीं मोबाइल हैं? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू सॉलिड सपोर्ट. नंबर फोर, पोर्स जितने भी होंगे इसके अंदर, दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ केनाल सिस्टम फॉर वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन. राइट. नंबर फाइव, आप देखेंगे दे हैव अ कवर्ड स्केलेटन, दैट इज अ कवर्ड विद हार्ड आउटसाइड लेयर. उस हार्ड आउटसाइड लेयर को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन. एंड दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस क्यों? क्योंकि पोर्स हैं. पोर्स होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है, भले ऊपर हार्ड स्केलेटन होता है, लेकिन इन्हें हम नाम क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस, क्योंकि पानी इसके अंदर से फ्लो करता है. नंबर सेवन, इट हैज मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यूज. नंबर एट, दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन हैबिटेट. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास इसकी? सबसे पहली एग्जाम्पल है, इसका नाम है स्पॉन्जिलिया, स्पॉन्जिला, साइकॉन, एंड यू हैव यू प्लेक्टिलिया, यू प्लेक्टिलिया. देखिए दिखते कैसे हैं,
लुक एट दिस, देखो स्पॉन्जी लिया ऊपर, देखो ये सारा स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, एक्ट लाइक अ स्केलेटन, ठीक। और ये सारे एक सारे एक हार्ड सरफेस को जुड़े हुए होते हैं। देखो यू प्लेक्टियन, यू प्लेक्टली प्लेक्टीलिया जो है, देखिए ये इसके अंदर भी हार्ड स्ट्रक्चर है, टच करने पे दे आर वेरी हार्ड। सिमिलरली सियोन, सियोन को भी आप देखो बाहर का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड होता है, अंदर पोरस होने की वजह से वाटर इसके अंदर से पास कर सकता है। बींग पोरस इज द मेन फीचर ऑफ पॉलीफायरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट हैज होल्स इन द बॉडी, देन इट हैज अ स्केलेटन आउटसाइड, फाइन। दे आर नॉट मोबाइल एंड दे आर फाउंड इन मरीन वाटर। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा भी बच्चों कहाँ रहता है, इट लिव्स इन वाटर, लेकिन इसके बॉडी पॉरीफायरा से ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। इसके पास बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है एंड द बॉडी इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स। टू लेयर्स यानी बाइलेटरल, डुप्लीकेट लेयर होती है, एक अंदर की लेयर है और एक बाहर की लेयर है। सम लिव इन कॉलोनीज, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स, और सम लिव इन सॉलिडारिटी यानी अकेले, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, जेली फिश। जेली फिश नाम सुनने में लगता है फिश है, फिश नहीं है बच्चों, इट्स अ सिलेंड्री, इट्स अ नाइडेरिया एंड सी एनिमोन्स। देखिए दिखते कैसे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आती है आपको हाइड्रा की। हाइड्रा का स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इट हैज़। इट हैज़ द टेंटेकल्स एंड देर आर छोटे छोटे स्टिंग सेल्स यानी कि कांटे जैसी चीज़ें रहती हैं। बीच में इसका माउथ, बाहर की लेयर एपिडर्मिस, अंदर की लेयर मिसोग्लिया। गैस्ट्रोडर्मिस बिल्कुल अंदर की लेयर, यानी कि एक इनर लेयर एक आउटर लेयर, दोनों के बीच मिसोग्लिया। और इसके अंदर एक खाली कैविटी है जिस कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, विच आर टी टेंटेकल्स। अगर आप सी एनिमॉन देखोगे, देखो एक फ्लावर वास की तरह दिखाई दे रहा है, ऊपर एक गेंदे का फूल है और फूल का जो सेंटर का हिस्सा उसे बोला क्या है, टेंटेकल्स। आप गेंदे के फूल को जब भी देखोगे तो आपको सी एनिमॉन यानी नाइडेरिया याद आना चाहिए। यह आपको याद रखना है दैट इट हैज़ गॉट अ बॉडी कैविटी और इस कैविटी का नाम क्या है, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी के अंदर आप बता सकते हो इट हैज़ गॉट अ माउथ, इट हैज़ गॉट टेंटेकल्स, इट हैज़ फुट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इट कैन हैव। नेक्स्ट कैटेगरी अब हम देखते हैं, दैट इज़ दी प्लेटी एलिमेंटिस। प्लेटी एलिमेंटिस के क्या क्या फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। नंबर वन, इट इज़ अ फार मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, माने कि और बहुत सारे पार्ट्स हमें मिलेंगे। नंबर टू, इट इज़ बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है सेंटर से, वो राइट हैंड साइड में भी मिलेगी। जैसे हम लोग, हमारी एक हाथ है राइट साइड पे, एक लेफ्ट पे, है ना, आँख एक राइट पे तो एक लेफ्ट पे, एक नोज़ भी है राइट, राइट एंड लेफ्ट ईयर भी है, सो वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल फ्रॉम द सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। इट हैज़, अभी तक हम दो लेयर्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म विच
डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज कैन बी मेड. सो कॉल्ड ट्राइपोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. ट्राइपोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को आप ध्यान में रखेंगे पॉइंट को, क्योंकि अब से जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो थ्री लेयर से ही बनने वाले हैं. सो थ्री लेयर्स कहाँ से इनिशिएट हो रही है? प्लैटी एलिमेंटिस से. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है. तो देखिए कौन कौन सी लेयर्स हैं. सो मेक्स आउटसाइड बॉडी लाइनिंग, देन एक आ गई आपकी इनसाइड बॉडी लाइनिंग और एक आ गई बीच में, एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड. सो दे आर दी डिफरेंट लाइनिंग. ऊपर बाहर की लाइनिंग, एक अंदर की लाइनिंग और बीच में क्या है, कुछ ऑर्गन्स हैं. सो सम डिग्री ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्टेड. अभी तक टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई थी. सो दिस इज द पॉइंट जहाँ से आपको टिश्यूज की फॉर्मेशन शुरू हो गई है. ट्राइपोब्लास्टिक लेयर से ही टिश्यू की फॉर्मेशन शुरू हो गई. सो टी फॉर ट्राइपोब्लास्टिक, टी फॉर टिश्यूज. बट इन केसेस के अंदर देर इज नो वेल डिफाइंड, देर इज नो वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी और सीलोम इन विच ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड. ठीक, इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर सिलोम नहीं मिलता. वेल डिफाइंड होता है लेकिन सूडो सिलोम होता है, नकली कैविटी होती है जिसमें ऑर्गन्स होंगे, क्योंकि सम ऑर्गन्स आर देयर, लेकिन ट्रू सिलोम नहीं मिलता इसके अंदर. तो मार्क कीजिएगा, दीज आर हैविंग सूडो सिलोम. कुछ ऑर्गेनिज्म में सूडो मिलेगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ए सिलोम मिलेगा. सिलोम है ही नहीं, कैविटी है ही नहीं. नंबर फाइव, प्लैटी का मतलब होता है बच्चों फ्लैटेंड, यानी कि बॉडी फ्लैट होती है, चपटी, फीते, टेप, टेप की तरह, जस्ट लाइक अ स्केल. फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रल बॉडी, सो एज अ फ्लैट वॉर्म. एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास? प्लानेरिया, लिवर फ्लूक्स, टेपवॉर्म, ये सब के सब फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. देखिए कैसे दिखते हैं. सो लुक एट दीज वंस, दिस इज व्हाट प्लानेरिया. देखिए वेल डिफाइंड बॉडी है, आंखें भी मिल गई हमें, फैरिंग्स भी मिल रहा है, माउथ भी है और एनस भी है. और देखिए यहाँ कैविटी तो है, देर इज अ ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. कैविटी तो है, वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सूडोसिलोम. लिवर फ्लूक में देखिए, अगेन देर इज अ माउथ, एसिटाबुलम इज देयर एंड दिस इज कॉल्ड एज लिवर फ्लूक. टेप वॉर्म में देखिए, फीते की तरह है, एक टेप की तरह है ना, जो इंची टेप होता है आपका. इट हैज़ अ नेक, एक सकर भी लगे हुए हैं, यानी कि ऊपर से माउथ होगा एंड माउथ और नेक के बीच में एक एरिया विच इज कॉल्ड एज कोलेक्स. सो दीज आर द डिफरेंट प्लैटी एलिमेंटिस. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज प्लैटी एलिमेंटिस जो है, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट के एग्जाम्पल आपने देख ही लिए, टेपवॉर्म, लिवर फ्लूक, दीज आर दी पैरासाइट्स. नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी कैटेगरी है नीमाटोड्स. या नीमाटोडा. प्लैटी एलिमेंटिस का मतलब जैसे फ्लैट होता है, यहाँ इसका मतलब होता है राउंड बॉडी. राउंड बॉडी इज द वर्ड फॉर नीमाटोड. अब देखिए कैसे होते हैं, दे आर ऑल्सो बायलेटरली
सिमेट्रिकल, ये तो ट्रेंड शुरू हो ही गया, ट्राइपोब्लास्टिक लेयर, ये भी हमें पता ही है। इसके अंदर बच्चों एक चीज आती है, दैट इज इसकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल बॉडी आपको इसमें मिलेगी, यानी कि गोल राउंड, ठीक है। देन इट हैज डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, टिश्यूज होते हैं लेकिन ऑर्गन नहीं बनते, बट नो ऑर्गन्स। कैविटी है, हो सकती है, या ये सूडो कैविटी भी हो सकती है, जिसे कि हम सूडो सिलोम भी कह देते हैं, या तो सूडो सिलोम मिलेगा या सिलोम मिलेगा, दोनों तरह के इसमें ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर ऑल्सो पैरासिटिक, वॉर्म लाइक। और प्राइम एग्जाम्पल है इसके बच्चों राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म और एलिफेंटियसिस इज कॉज्ड बाय द, इट इज द नेम ऑफ द डिजीज, जो कि आपको किसी एक निमाटोड से होती है। और वो वॉर्म कौन सा है, फाइलेरियल वॉर्म। फाइलेरियल वॉर्म भी निमाटोड में डिपेंड करता है, को ही बिलोंग करता है। राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म कैसी बीमारी करते हैं, दे आर द इंटेस्टाइनल डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राउंड वॉर्म, अस्कैरिस एंड वुलचेरिया, दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राउंड वॉर्म और द निमाटोडास, जबकि इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल है। दे हैव डिफरेंट स्पीशीज, मेल एंड फीमेल। देखिए यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स ज़्यादा है ना, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज मिल रहे हैं हमें, मेल के टिश्यू अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे। ऐसे ही देखिए वुचेरिया के अंदर भी आपको अंदर देखो कैविटी मिल रही है ना, देर इज़ अ कैविटी, देन आउटर लेयर और इनर लेयर भी मिल रही है, सो दिस इज अ ट्राइपोब्लास्टिक लेयर। सो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और क्या है आपके पास, स्कैरिस एंड वुचेरिया, वुचेरिया, आई मीन दिस इज टू डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, है ना। नेक्स्ट हम करेंगे एनिलिडा। एनिलिडा में देखिए वो फीचर्स जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स में आ गए वो तो इसमें भी आएंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्राइपोब्लास्टिक लेयर, करेक्ट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बच्चों, ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब है सीलोमेट, माने सिलोम प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या है इसमें, ट्रू ऑर्गन्स। सो ये पहला ऑर्गेनिज्म है जहां आपको ट्रू बॉडी कैविटी और ट्रू ऑर्गन्स मिल रहे हैं। इससे पहले सूडो कैविटी थी या ए सिलोमेट थे, कैविटी थी ही नहीं, टिश्यूज बने हुए थे लेकिन ऑर्गन्स नहीं थे, ठीक। अब ये ऑर्गन्स भी बन रहे हैं, सो इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी, डिजाइन इज एक्सटेंसिव। एनिलिडा के अंदर एक और खास चीज मिलती है हमें, दैट इज द सेगमेंटल डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम हेड टू टेल। सेगमेंट्स हैं, हेड भी है और टेल भी मिलेगी और बहुत सारी चीजें मिलेंगी हमें। अब देखिए इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ मिलते हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। पहली बात ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये मरीन्स में भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ ये आपको लैंड पे भी मिलते हैं, करेक्ट।
देखिए एग्जाम्पल्स कैसे. यू हैव अर्थवॉर्म, लीच, नीरीज, ये सारी एग्जाम्पल्स इसकी आपको मिलेंगी. और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मिलती है बच्चों, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दी क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम. तो देखिए कितनी सारी नई चीज़ें मिली हैं, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू ऑर्गन, सेगमेंटल बॉडी एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन. तो देखिए ब्लड सर्कुलेशन आना शुरू हो गया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करेंगे आर्थ्रोपोडा. बच्चों आर्थ्रोपोडा से मतलब होता है, पोडा मीन्स फीट और आर्थो का मतलब ज्वाइंट. जहाँ भी आपको कॉमन ज्वाइंटेड फीट मिले समझ जाइएगा वो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है. ठीक है, अब देखिए जो पहले फीचर्स हैं वो अभी भी आएंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अब सेगमेंट्स बननी शुरू हो गई हैं, सेगमेंटल डिफरेंशिएशन है, सो आपको ट्राइपोब्लास्टिक लेयर भी मिलेगी. एंड देयर विल बी अ सेगमेंटल डिफरेंशिएशन ऑल्सो, या सेगमेंटल बॉडी भी मिलेगा. ठीक, इसके अंदर आपको ट्रू सिलोम भी मिलेगा. लेकिन किससे भरा हुआ होता है? ब्लड फिल्ड, ट्रू सिलोमिक कैविटी, बट इट इज वर्ल्ड ब्लड इज फुल इन टू दिस एंड इट डज नॉट. इसका कैसा था? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था. इसका कैसा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बट नो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स आर देयर. ठीक, नेक्स्ट फीचर इज दे हैव ज्वाइंट फीट, यानी कि दे हैव ज्वाइंटेड फीट. तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं आपके अराउंड है. फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, क्रैब, प्रॉन, स्पाइडर्स, दीज ऑल आर गोइंग टू हैव, इवन कॉकरोचेस एंड इवन सेंटीपीड. दीज आर ऑल गोइंग टू हैव द ज्वाइंटेड फीट एंड इसीलिए इनको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा, दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा फैमिली. अब कुछ नाम है जो हमें ध्यान रखने हैं बच्चों. हाउस फ्लाई को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज म्यूसिया. स्पाइडर का एक और नाम है एरानिया, कितने अजीब अजीब नाम है. स्कॉर्पियो को हम कहते हैं पैलामेनियस. प्रॉन को कहा जाता है पैलेमियन. सेंटीपीड, बच्चों ये एग्जाम में आए हुए नेम्स हैं इसीलिए आपको याद रखने हैं. स्कोलोपेंड्रा और कॉकरोच को हम बोलते हैं पेरी प्लेनिटा. ये छह नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे गए हैं. नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं मोलस्क. अगेन बायलेटरल ली सिमेट्रिकल, सिलोम कैविटी इज रिड्यूस्ड लेकिन प्रेजेंट है, यानी कि ट्रू सिलोम मिलेगा इसमें. सेगमेंटेशन इसमें भी मिलेगी लेकिन कम होती है, वो तो डेवलप हो चुका है एक सिस्टम तो ये चलता रहेगा. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में था, मोलस्क में भी मिलेगा. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे
फॉर्मेशन ऑफ किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन. सो किडनीज कहाँ मिल रही हैं आपको? मॉलस्क के अंदर मिलती हैं. एट द सेम टाइम इसमें एक और फीचर जुड़ता है, दैट इज द फुट टू मूव अराउंड. और कौन से बूट हैं? ट्रू फुट, जूठे वाले नकली वाले नहीं हैं. दे हैव दी फीट टू मूव अराउंड. एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है इसका. स्नेल आपने देखा क्रॉल कर सकता है, मुसल्स कैन क्रॉल. ऑक्टोपस देखिए, उसके फीट होते हैं. सिमिलरली यू हैव पाइला, उनियो एंड चिटॉन. देखिए ये पिला, उनियो, चिटॉन ये इसलिए देखने पड़ेंगे बिकॉज जब ये एग्जाम में आएगा, आइडेंटिफाई टू विच कैटेगरी डज दे बिलोंग, तब हमें मुश्किल हो जाएगी. इसीलिए हमें ये याद करने पड़ेंगे. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास है काइनोडर्म, ई काइनोडर्म डर्मेटा, ई काइनो डर्मेटा. इसका क्या मतलब है? देखिए ई काइनो का मतलब होता है हेज लाइक, हेज हॉग लाइक, और डर्मेटा माने स्किन, कांटे वाली स्किन जिसकी मिले उसे हम बोलते हैं एंडो एकाइनो डर्मेटा. अगेन वी नो इट इज फ्रॉम द ट्राइपोब्लास्टिक एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ सिलोमिक कैविटी. हेज हॉग का मतलब हो जाता है स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स. इसके अंदर आप देखिए, दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड. एंड स्केलेटन ऑफ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर इज फाउंड. एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है इसकी. स्टारफिश ऑल्सो नोन एज एस्टीरियास, सी हिचिंस ऑल्सो नोन एज इकाइनस, फेदर फिश और फेदर स्टार ऑल्सो नोन एज एंटीडॉन, सी क्यूकम्बर खामत लेना इज ऑल्सो नोन एज होलोथ्यूरिया. सी कुकुम्बर को देख के भूख नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये कांटे वाला एनिमल है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोटो कॉर्डेटा. प्रोटो कॉर्डेटा, इनके अंदर क्या खासियत है? देखिए हमें पता है ये ट्राइपोब्लास्टिक तो ये भी होंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होंगे, इसके अंदर ट्रू सिलोम भी मिलेगा. ट्रू सिलोम कैविटी भी मिलेगी. एट सम स्टेज ऑफ लाइफ डिवेलप्स एक फीचर होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. जिंदगी में पूरी लाइफ के अंदर कभी ना कभी ये नोटोकॉर्ड उनके डेवलप होती है. व्हाट इज नोटोकॉर्ड? बच्चों नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल.
सेपरेटिंग, नर्वस सिस्टम, फ्रॉम गट। इसका मतलब यहाँ देखिए, प्रोटोकॉड में, कोडेटा में नर्वस सिस्टम भी आ गया और गट भी आ गई। पहले क्या था, खाली सर्कुलेटरी सिस्टम था, क्लोज्ड ओपन, है ना, पहले क्लोज था फिर ओपन था, फिर मोलस्क के अंदर किडनी आ गई। एंडोकाइनेटस एंड एकाइनोडर्मेटा क्या है, उनके अंदर स्केलेटन था जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, और प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर नर्वस सिस्टम एलॉन्ग विद नोटोकॉर्ड आ गया एंड गट भी आ गई। पूछो नोटोकॉर्ड का और क्या फ़ायदा है। नोटोकॉर्ड इज प्लेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। मसल्स होंगी तभी तो हम हिल पाएंगे, घूम पाएंगे, मूव कर पाएंगे। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं, हर्डमैनिया, एम्फियोक्सिस, बेलनोग्लॉसिस। तो चलिए फटाफट देखते हैं ये दिखते कैसे हैं। हमने देखा एनेलिडिया, एनेलिडा में मैंने क्या बताया था, सेगमेंटल बॉडी और बहुत सारे पैर होते हैं। तो लुक एट इट, देयर इज अ टेंटेकल, देन दीज आर दी पैरापोडिया, पैर हैं उसके, और ये उसकी पूरी बॉडी के ऊपर पैर ही पैर हैं जो सब जगह जुड़े हुए हैं, है ना। अर्थवर्म भी ऐसा, और लीच भी देखिए सेगमेंटल बॉडी है। एनेलिडा में कैसी थी बॉडी, सेगमेंटल बॉडी थी। देन यहाँ देखिए, दीज आर दी आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडास के अंदर देखिए हाउस फ्लाई विच इज़ दी मुस्का, इसके पैर भी एक ही जगह से जुड़े हुए हैं। बटरफ्लाई के पैर भी एक जगह जुड़े हैं, देखिए स्पाइडर के पैर एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इवन कॉकरोच के पैर पीछे की तरफ देखोगे तो एक ही जगह से जुड़े होते हैं, प्रॉन में भी एक जगह से, और आपके स्कॉर्पियो में भी एक ही जगह से जुड़े हुए होते हैं। सिमिलरली सेंटीपीड के भी पूरी बॉडी में एक जगह से जुड़े हुए पैर मिलते हैं। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम आर्थ्रोपोडा। मोलस्क के अंदर क्या था, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। उनियो, उनियो देखो एक उड़नत अश्तरी की तरह, एक स्पेसशिप की तरह नज़र आ रही है ना। पीला देखिए कैसा दिख रहा है, इट इज़ लुकिंग लाइक किसी महाराजा महाराजा का, मुगल का कोई, मुगल एम्परर्स का कोई ये ताज है, समथिंग लाइक दैट। ऑक्टोपस के में पहचान बहुत अच्छे से, एंड दिस इज ए चिटॉन। देखिए अगेन इट इज़ अ सेगमेंटल बॉडी, है ना। ओके, नाउ लेट इट्स लुक एट द इकाइनोडर्मेटा, यानी कि जिसकी बॉडी पे कांटे होते हैं। लुक एट इट, दिस इज द स्टार फिश, दिस इज होलोथूरिया, ठीक है, दैट इज़ अ सुकुकुम्बर, खीरे जैसा दिखाई दे रहा है। देन दिस इज अ फेदर स्टार, देखो हर जगह पंख ऐसे लग रहा है, फेदर की तरह हल्के हल्के से कांटे से दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज अ फेदर स्टार, एंड दिस इज द इकाइनस, दिस वन इज इकाइनस। सो लेट अस लुक एट प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आपको बेलनोग्लॉसिस के डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, याद करना है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं। आइडेंटिफाई करना होता है पार्ट कौन सा है बॉडी का, लाइक आपको कॉलर, कोलरेट, ब्रेंकियल रीजन, गिल पोर्ट्स, डॉर्सली कर्व, जेनिटल विंग्स। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या ढूंढने को मिलता है, हिपैटिक केसिया, मिड डॉर्सल, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बेलनोग्लॉसिस का डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। नाउ बिफोर वी मूव फर्दर, लेट अस जस्ट समराइज व्हाट वी हैव डन। वी हैव एनिमिलिया किंगडम, इसके अंदर आपके पास जो डिवीजन है वो है बच्चों, सबसे पहली कि सेलुलर लेवल है, यानी कि टिश्यूज नहीं बने, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर क्या आता है आपके पास, सिर्फ एक, दैट इज पॉरीफेरा। एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला। ठीक, देन वी हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सेलुलर से कहाँ पहुँच गए, टिश्यूज के पास। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें, जहाँ भी आपको टिश्यूज मिलेंगे वहाँ कौन कौन से रहेंगे, वी हैव थ्री ऑफ दीज। पहली कौन सी है, सीलेंट्रेटा।
सिलेंटीरेटा, सिलेंटीरेटा, सिलेंटीरेटा में क्या है सबसे, और पहली चीज, और दूसरा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, प्लेटी एलिमेंटिस। ये दोनों के दोनों कैटेगरीज किस में आती हैं, एक ही कैटेगरी में है जहाँ पर देर इज नो कैविटी, बॉडी कैविटी बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर, यानी कि ये दोनों कैसे मिलेंगे आपको, ये आपको मिलेंगे या तो सूडोसिलोम या फिर एसिलोम। सिलेंट्रेटा के अंदर ट्रू कैविटी नहीं मिलती है आपको, प्लैटी एलिमेंटिस में ट्रू कैविटी नहीं मिलती। सो पॉरीफेरा कैसा है, एसिलोमेट, दिस इज सूडोसिलोमेट। निमाटोड्स में आ जाए, निमाटोडा आर ऑल्सो दी सूडोसिलोमेट। नाउ देन यू हैव सीलोमेट। सीलोमेट के अंदर आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं बच्चों, पहली कैटेगरी जिसके अंदर कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं है, और एक जिसमें आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी। जिसमें कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं है लेकिन सीलोमेट है, ट्रू सीलोम मिलती है, उसे हम बोलते हैं ई काइनोडर्मा, ई काइनोडर्मेटा। और जिसमें आपको कॉर्ड मिलती है उसे हम बोलते हैं कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा वाले जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, ये दो तरीके के हैं। पहला कौन सा आपका, वो जिसे जिसमें जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बार कॉर्ड बनती है, प्रोटो कॉर्डेटा, ठीक है। और एक वो है जिनमें सदा के लिए रहती है, दैट इज दी वर्टिब्रेटा। यहाँ क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट वेरी रूडिमेंट्री, यानी बहुत पुराने तरह की होती है, किसी काम की नहीं। और वर्टिब्रेट में क्या है, ट्रू कॉर्ड होती है आपकी, ट्रू कॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। जैसे मैमल्स, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर जैसे बैलेनोग्लॉसिस, करेक्ट। सो लेट अस टॉक अबाउट दी लास्ट कैटेगरी, दैट इज दी वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के फीचर्स बच्चों हमें पता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्राइपोब्लास्टिक लेयर, इंटरनल स्केलेटन मिलेगा यहाँ, देन कंप्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट टू बी यूज फॉर मूवमेंट। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स, क्या है, नोटोकॉर्ड, बाकी मैंने आपको बताया है बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रोपोब्लास्टिक एज वेल एज दे विल हैव अ ट्रू सिलोम। इसके अलावा नोटोकॉर्ड में हो गया अ डॉर्सल नर्व कॉर्ड,
डॉर्सल नर्व का कॉर्ड का मतलब क्या है? डॉर्सल का मतलब पीछे का, बैक। बैक में आपकी नर्व कॉर्ड मिलेगी। देन पेयर ऑफ गिल पाउचेस मिलेंगे, ठीक है? दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑल द कॉर्डेट्स, ये हमें मिलते ही हैं। हाँ, ये हो सकता है गिल कैन मॉडिफाई टू सम अदर पार्ट, देखते हैं कैसे। जो वर्टिब्रेट्स हैं बच्चों, ये पांच तरीके के हैं। हम इसकी उसी फैशन में बात करेंगे जिस फैशन में ये डेवलप हुए हैं। सबसे पहला है हमारे पास पाइसेस, देन वी हैव एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ठीक, ये पांच कैटेगरीज आपको वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं, यानी इन सब के पास वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल स्पाइन है, और सब के सब ट्रू सिलोम रखते हैं। पाइसेस में सब की सब फिशेज आ जाती हैं बच्चों। ठीक, फिशेस कैसी होती हैं? दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स ओनली। इनका जो स्किन है, इट इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स। दे रिस्पायर थ्रू, या रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, मस्कुलर टेल, इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। दीज आर कोल्ड ब्लडेड विद टू चेम्बर्ड हार्ट एंड दे ले एग्स। देखिए, अब इसमें आपको हार्ट के बारे में याद रखना है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन आता है। मस्कुलर टेल क्या काम करती है? मूवमेंट में काम करती है। दे रिस्पायर थ्रू विच पार्ट? दैट इज गिल्स एंड दे ले एग्स। ठीक, इस काम में ध्यान रखना है। दे आर ओवी पैरस, अंडे देते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एम्फीबियंस। दे कैन बी फाउंड ऑन बोथ इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। एम्फीबियंस हमें प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिलते हैं। तो अगर इफ यू कैन रिकॉल, प्लांट का एम्फीबियन कौन था? ब्रायोफाइटा। इन केस ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइटा इज द एम्फीबियंस। नाउ दीज एम्फीबियंस, दे लैक स्केल्स, दे हैव मसल। एम्फीबियंस चिकने होते हैं छूने में। आप देखिए, किसी भी आप स्नेक को उठा के देख लीजिए, उनकी जो स्किन है बड़ी स्लिपरी होती है। वाई सो? बिकॉज दे हैव म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन, स्लाइमी सी होती है। नाउ द हार्ट कैसा होता है इनका? थ्री चेम्बर्ड हार्ट। दे लैक स्केल्स, दे हैव द मसल ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन। द रेस्पिरेशन इज बाय, अब अगर पानी में नहीं है तो रेस्पिरेशन कैसे होगी? थ्रू गिल्स अगर पानी में है, और अगर जमीन पे है तो लंग्स। दे ऑल्सो ले एग्स, दे आर ऑल्सो ओविपैरस, बट अंडे कहाँ देते हैं ये? पानी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। जो फ्रॉग है ना बच्चों, दो तरह का होता है, एक होता है ट्री फ्रॉग और एक होता है कॉमन फ्रॉग। ठीक है, दोनों ही एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स कैसे होंगे बच्चों?
दे ऑल्सो हैव दे हैव स्केल्स, देखिए यहाँ स्केल्स हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे ब्रीद थ्रू लंग्स, क्योंकि अब पानी में तो है नहीं, पानी में गिल्स का काम होता है, जमीन पे लंग्स का काम होता है। दे ऑल्सो हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट्स, एक्सेप्ट वन, दैट इज दी क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका फोर चेम्बर्ड हार्ट है। क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल विद फोर चेम्बर्ड हार्ट। दे डू नॉट नीड टू ले एग्स इन वॉटर, ये पानी में अंडे नहीं देती, बट एग्स लेड हैव टफ कवरिंग, पानी में नहीं देते अंडे, और जो अंडे देते हैं उनके ऊपर एक टफ सी कवरिंग रहती है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स के अंडे देख लीजिए आप, लिजर्ड के, क्रोकोडाइल के, टर्टल्स के देखो आप, और कैमलियन के। साइज बड़े छोटे हो सकते हैं, फीचर सबके सेम होंगे। लिजर्ड भी दो तरह के बच्चों, एक है फ्लाइंग लिजर्ड और एक है हाउस वॉल लिजर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एव्स। एव्स के अंदर बच्चों सारे के सारे बर्ड्स आ जाते हैं, ऑल बर्ड्स। ठीक है, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ध्यान रहे। ओके, एव्स पे आए। एव्स वो हैं जिनके अंदर ब्लड कैसा होगा, दे आर वॉर्म ब्लडेड एंड दे हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट। पक्षियों से आपका चार चेम्बर वाला हार्ट चालू हो गया, तब तक क्या था, थर्ड। एंड दे ब्रीथ बाय लंग्स, ठीक, इंपॉर्टेंट फीचर आपको ये सब चीज़ें तो ही हैं। फोर चेम्बर्ड हार्ट आ गया, वॉर्म ब्लडेड हो गया। देन टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए पंख बन गए, फेदर्स, फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, आउटसाइड ब्रीद, आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स इज ऑफ फेदर्स। ठीक है, बॉडी बहुत लाइट बनाने के लिए भगवान ने उनकी बॉडी में ये फीचर डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो सारी बर्ड्स इसमें ही आती हैं, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, मेल टफ्ट, डक, पिजन, स्पैरो, आई होप आई डोंट नीड टू से ऑल दोज थिंग्स, क्रो, दिस ऑल बिलोंग टू बर्ड्स। लास्टली वी कम टू मैमल्स और मैमिलिया। मैमिलियाज में क्या फीचर है बच्चों, देखो जैसे बर्ड्स वॉर्म ब्लडेड हैं ऐसे ही मैमल्स भी वॉर्म ब्लडेड हैं। जैसे एव्स में फोर चेम्बर्ड हार्ट है, क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर्ड हार्ट है, ऐसे ही मैमल्स में भी फोर चेम्बर्ड हार्ट है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, दिस इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक, देन दे गिव बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग्स, दे प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, सो दे आर कॉल्ड एज वीवी पैरिस। जो लाइफ ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देते हैं दैट इज कॉल्ड एज वीवी पैरिस, जो अंडों को देते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओवी पैरिस। स्किन हैज
हेयर एज वेल एज ऑयल ग्लैंड्स। मोस्टली ये लाइव ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, बट अ फ्यू ले एग्स। ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो आपको एग्स देते हैं? दैट इज दो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, प्लैटिपस एंड ई काइडना। ई साइलेंट भी हो सकता है, काइडना। ठीक, कैंगरूज और कंगारूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डिवेलप्ड यंग वंस, सो केप्ट इन पाउच। देखिए भगवान ने कितनी चीज़ें सोच समझ के बनाई है। कंगारू अपने बच्चों को पाउच में लेके घूमता है, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि उसके बच्चे जो हैं वो पुअरली डिवेलप्ड होते हैं। सो मैमल्स के एग्जांपल क्या है? कैटल, कैट, ह्यूमन, काउ, डॉग, रैट, बैट, ये सब के सब क्या हैं? मैमल्स होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कारोलस लिनियस और कार्ल वॉन लिने। कार्बुलस लिनियस ने ये सिस्टम दिया था नॉमेनक्लेचर का, कि किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हैं। कार्लोस गेव अ फेमस बुक कॉल्ड सिस्टेमा नेचुरे, इन विच all fundamental researches started। इस बुक को बेस बना के बहुत सारी रिसर्च की गई। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन gave a simple scheme of classifying and identifying plants। Why do we need this nomenclature? Nomenclature helps in easy identification of organisms worldwide। While writing name of an organism, we limit to writing the name of genus and species of that particular organism in लैटिन फॉर्म। लैटिन लैंग्वेज में हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्पीशीज और जीनस को ही मेंशन करते हैं, लेकिन इस नाम को लिखने के लिए कुछ कन्वेंशंस को यूज़ किया गया। सो कन्वेंशंस यूज्ड
टू राइट साइंटिफिक नेम्स, क्या कन्वेंशंस हैं इस साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। नंबर वन, नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद कैपिटल लेटर। नंबर टू, नेम ऑफ द स्पीशीज बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। नंबर थ्री, व्हेन प्रिंटेड, अगर आप टाइप कर रहे हो उसको, साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स। अगर टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में देना मैंडेटरी होता है। नंबर फोर, व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है? ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है बच्चों होमो सेपियंस सेपियंस। सो यू नीड टू अंडरलाइन दीज वंस। सो होमो सेपियंस सेपियंस इज द नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो विद दिस we come to an end of the chapter diversity in living organisms. So I hope you enjoyed the chapter, and it will not be difficult to remember the important points of each categories. Do remember the order, that keep pond clean or fish gets sick, ya phir KP ko family is genius. However you want to remember that. So enjoy yourself, take care, and goodbye.